नमस्कार दोस्तों, दिव्य दृष्टि ज्योतिष भवन में मैं पंडित माणिक भारद्वाज शास्त्री आप सभी का दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों, आज मैं आपको बताता हूं निर्भय होने का मंत्र, भय मुक्ति का मंत्र, भय को दूर करने के लिए। अगर आपको बुरे स्वप्न आते हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए, शत्रु आपको परेशान करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और उनसे विजय प्राप्ति के लिए, अनेक प्रकार के बल छल से बचने के लिए व भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए व केस मुकदमा जीतने के लिए, अनेक प्रकार के विजय भाव के लिए आप इस उपाय को करें। भगवान परशुराम श्री हरि अवतार भगवान परशुराम जी का ध्यान धरकर आपको यह इनका गायत्री मंत्र मन में अर्पण करना है। देखिए, मैं मंत्र आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखा देता हूँ। ओम भूर्भुव स्व तत्स्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार आप इस मंत्र का जाप करें। यह गायत्री मंत्र है और परशुराम गायत्री मंत्र मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र को आप सुबह और सायं पांच पांच या सात सात बार जाप करें, आप निर्भय हो जाओगे, किसी प्रकार का बुरा स्वप्न नहीं आएगा, शत्रुओं से विजय प्राप्त होगी, शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भगवान परशुराम का मन में ध्यान करना है और एक छोटा सा चांदी का परसा, यानी कि जिसे हम कुल्हाड़ा बोलते हैं, छोटा सा परसा बनवा कर वह गले में धारण कर सकते हैं और भगवान परशुराम का ध्यान अपने मन में रखते हुए इतना कार्य करें। मैं मंत्र आपको बताऊंगा, ये गायत्री मंत्र इसको भी जरूर करें। और इससे पहले मैं प्रार्थना करता हूँ, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कुछ भी पूछना है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से, अपनी संस्थान से आपको बिल्कुल सरल और आसान तरीके उपाय बताते हैं जिससे आपका कार्य जल्दी बने। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए मंत्र मैं आपको यहाँ लिखा दिखा रहा हूँ। ओम जमदगनाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र के साथ आप यह मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। यह मिटा हुआ है थोड़ा, काफ़ी प्राचीन फोटो है, तो इस पे मैं लिखा एक बार और पढ़ देता हूँ। ओम जमदगनाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। इतना जाप करें, आपके कार्य सिद्ध होंगे। वीडियो को शेयर करें और एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय परशुराम भगवान जी दोस्तों।